प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत व सुप्रभातम है। आज आपके जो वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपके पास जो मैटर जा आ रहा है वो है संधि का। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो मैटर है, आज का जो टॉपिक है वो संधि का है, जिसमें है अनुस्वार संधि। प्रिय विद्यार्थियों, अनुस्वार नाम से ही विदित होता है कि अनुस्वार यानी किसी भी वर्ण के ऊपर हल्की सी एक बिंदी होती है, उसको कहते हैं अनुस्वार। इसका सूत्र है मोनुस्वार है, मोनुस्वार है यानी मैं का अनुस्वार होता है। वो कब होता है? जब हम संधि विच्छेद कर लिए, पहले पद का अंतिम वर्ण मैं है और दूसरे पद का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब अपन संधि करते हैं तो उस समय मैं का क्या होता है? अनुस्वार। तथा अगर मैं वर्ण के आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो वो संधि करते समय जो अगला स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण आ करके उसमें मिल जाता है और वो मैं का मैं ही रहे। जैसे ए है तो पूरा मैं हो जाएगा, ए है तो मैं हो जाएगा। इस प्रकार से वो स्वर वर्ण मिल करके वो मैं का मैं रहता है, उसमें वो मात्रा स्वर की मिल जाती है, तो वो भी अनुस्वार ही संधि है। जैसे अपने पास यहाँ अनुस्वार का सूत्र लिख रखा है, मो अनुस्वार यानी मैं का अनुस्वार। इस सूत्रानुसार, कौन से सूत्रानुसार? इस सूत्रानुसार जब मैं वर्ण के आगे व्यंजन वर्ण आता है तो संधि करते समय मैं वर्ण का अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार। अभी मैं आपको बताया था कि मैं का अनुस्वार होगा। कब होगा? जब आगे व्यंजन वर्ण आता है तब मैं वर्ण का अनुस्वार होगा। तथा दूसरा ये दिया है, तथा मैं वर्ण के आगे कोई भी स्वर वर्ण आए, एक्स वाई जेड कोई भी स्वर वर्ण, ए आ ई ऊ री री ली ए आई ओ औ, कोई सा स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय वह स्वर वर्ण मैं में मिल जाता है और मिलकर के वो मैं का मैं रहता है, बाकी उसकी मात्रा उसमें मिल जाती है। जैसे अपने पास है हरिम वंदे, ये उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थी देखो, हरि मैं आया, आगे वह, तो मैं क्या क्या व्यंजन वर्ण। तो आपको ये इस बात का पता पड़ गया होगा कि मैं के आगे जब व्यंजन वर्ण आता है तो मैं का क्या होता है? अनुस्वार। देखिए आप, जहाँ हरि पद में अंतिम वर्ण मैं है, इसके बाद व्यंजन वर्ण वह है, वर्ण है, तो संधि करने पर मैं का क्या होगा? अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार होकर के हरिम वंदे शब्द बना है। क्या बना है? हरिम वंदे शब्द बना है। इसका हो जाएगा हरिम वंदे, ये बना। जैसे आगे इसके उदाहरण और हैं, आपको मैं बताऊं आगे के उदाहरण क्या हैं जो आप देखते रहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है धर्मम चरह है, इसका हो जाएगा मैं क्या के व्यंजन वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा, इसका अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार ऐसा, तो क्या होगा? धर्मम चरह है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इसके, कुशलम ते क्या हो जाएगा? कुशलम अनुस्वार क्या हो जाएगा? मैं और प्लस ते। जैसे अगला उदाहरण है सत्यम वद, जैसे अगला उदाहरण है कार्यम कुरु, कुरु कार्यम कुरु, रामम पश्यति, रामम पश्यति, नाशम गच्छति, नाशम गच्छति, मोहनम वद, मोहनम वद,
अहम धावामी, इत्यादि शब्द बने। इनमें समय अनुस्वार है, जब विच्छेद करेंगे प्रिय विद्यार्थियों विच्छेद करेंगे तो इस अनुस्वार का क्या होगा, मैं होगा, हलंत वाला मैं। हलंत वाले मैं के आगे व्यंजन वर्ण आता है तो उसी का तो अनुस्वार हुआ है। अगर मान लो, एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं, अगर मान लो मैं से आगे आगे स्वर आए तो इस ये स्वर है जो इस मैं में मिल जाएगा, जैसे अहम अध्यापक है, यह आया इस मैं से आगे, ये क्या है स्वर ए, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, इसमें मैं पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अहम अध्यापक है, ये बना। तो आप प्रिय विद्यार्थी समझो कि जब मैं के आगे कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो संधि करते समय मैं का होगा अनुस्वार। अगर मैं के आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो मैं की जगह मैं का मैं रहेगा और वो स्वर वर्ण उस मैं में मिल जाएगा। अतः आप इस बात को समझें कि मैं का अनुस्वार होता है कब, जब आगे व्यंजन वर्ण हो। मैं का मैं ही अर्थात मैं में वो जो आगे वाली जो स्वर की मात्रा है, आगे वाला जो स्वर का वर्ण है वो मिल जाता है तो मैं का मैं रहता है। इस प्रकार से स्वर संधि के विसर्ग इसमें अनुस्वार संधि का जो नियम है मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ और इसके उदाहरण भी दे चुका हूँ और इसके उदाहरण आपको और भी लिखवा चुका हूँ। इसके आप भी विच्छेद कर सकते हैं और विच्छेद करके आप भी इसका संधि या संधि का विच्छेद करके और आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। इन बातों को आप अच्छी तरह पढ़ करके लिख करके और याद करें। बाकी सूत्रों को कक्षा 12th और 11th इन बातों का ध्यान रखें कि संधि का सूत्र ज़रूरी है याद रखना, संधि का सूत्र याद रखना जरूरी है क्योंकि उसमें संधि के साथ साथ सूत्र लिखना जरूरी रहता है। आज का वीडियो ये रहेगा, धन्यवाद, थैंक यू।